इस हफ्ते बहुत ही कम सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन एक बहुत ही शानदार फिल्म है। ये है एसएमईज फिल्म बुलबुल कैन सिंग। ये फिल्म है रीमा दास की फिल्म। रीमा दास फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पिछले साल विलेज रॉकस्टार्स बनाई थी। बुलबुल कैन सिंग भी असम के उसी विलेज में सेट है जहां विलेज रॉकस्टार्स सेट थी, लेकिन ये एक डार्कर कहानी है। इस फिल्म के किरदार जो हैं वो थोड़े बड़े हैं विलेज रॉकस्टार्स से, ये टीनेजर्स हैं। और कहानी भी एक टीनेज लड़की की है, एक 15 साल की लड़की की है, और किस तरह का उसका उनका जीवन है, किस तरह की उनकी ज़िंदगी है एक छोटे से गांव में असम में। कहानी दोस्ती की भी है, क्योंकि कहानी है इन तीनों दोस्तों की। बुलबुल जिनका किरदार प्ले करती हैं अर्नाली दास, जो एक नॉन प्रोफेशनल एक्टर हैं, और उनकी दो दोस्त, एक लड़का और एक लड़की। अब इस दोस्ती के कहानी के ज़रिए हमें रीमा दास क्या बताती हैं, वो बताती हैं कि एक एक छोटे गांव में किस तरह का जीवन होता है। रियल इंडिया जिसे हम कहते हैं, वो बड़े शहरों में नहीं बसा है, वो गांव में होता है। रियल इंडिया किस तरह से मर्दों और औरतों के बीच में फ़र्क, जिसे हम पेट्रियार्की कहते हैं, वो किस तरह रिफ्लेक्ट होता है। एडुकेशन सिस्टम, लड़कियों को कितनी अहमियत, लड़कियों की ज़िंदगी में कितनी अहमियत होती है एडुकेशन की, किस तरह से माँ बाप के सपने होते हैं लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। सेक्सुअल आइडेंटिटी, किस तरह से बच्चे जब बड़े हो रहे हैं और खासकर छोटे शहरों में या गांव में, उन्हें किस तरह से डील करना पड़ता है अपने इस आइडेंटिटी के साथ, जो जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, कोई उन्हें बताने के लिए नहीं है कि वो किस तरह के फीलिंग्स, किस तरह के इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एक बहुत ही छोटी इंडिपेंडेंट किस्म की फिल्म है बुलबुल कैन सिंग। और हालांकि विलेज रॉकस्टार्स की एनर्जी नहीं है उस फिल्म में, छोटे बच्चे थे और वही गांव की जिंदगी थी, पर छोटे बच्चों की जिंदगी थी। ये अब टीनेजर्स हैं, ये स्कूल जाते हैं, थोड़े बड़े हैं उम्र में, और उनकी जिंदगी क्या होती है वो इस फिल्म की कहानी है। और इस फिल्म की जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मेन किरदार हैं, वो है बुलबुल। तो इस इनके 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 नज़रिए से या इनकी जिंदगी से हम देखते हैं इस गांव का माहौल, इस छोटे शहर का माहौल। मैं यही कहूंगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसी कम फिल्में बनती हैं जो इतनी खूबसूरती से, इतनी सेंसिटिविटी के साथ यंगस्टर्स की कहानी बताती है। पेट्रियार्की क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होती है, एडुकेशन क्या होती है, और एक 15 साल की लड़की का जीवन एक छोटे गांव में किस तरह का होता है, वो हम जो बड़े शहरों में रहते हैं हमारे लिए शायद बहुत ही आई ओपनिंग होगा। मैं ज़रूर कहूंगा कि ये फिल्म आप देखें। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी हाल ही में मिला था बेस्ट एसएमईज फिल्म के लिए। बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही कम सिनेमाज में रिलीज होने जा रही है, इसलिए आप ज़रूर ढूंढें कि अगर आपके शहर में रिलीज हो रही है बुलबुल कैन सिंग, रीमा दास की ये बेहतरीन फिल्म, तो आप इसे ज़रूर देखें। मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।